मध्य प्रदेश के बैतूल में यातायात नियमों के प्रति लोगों को खास तौर पर बच्चों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने अनोखी मुहिम चलाई है। पुलिस ने नवाचार करते हुए हाई क्लास ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनकर तैयार है। हाईवे से लेकर गली की सड़क, हॉस्पिटल, पार्क, स्कूल, मॉल के मॉडल को दिखाने वाले इस पार्क में ट्रैफिक के नियमों को आसानी से समझाया जा सकता है। पुलिस परेड ग्राउंड में टेनिस कोर्ट के बाजू और रक्षित केंद्र के पीछे तैयार किया गया ये ट्रैफिक पार्क यातायात के हर उस नियम को समझाते दिखाई पड़ता है जिसे सड़क चलते राहगीर और वाहन चालक देखते तो हैं, लेकिन कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। पार्क में हर संकेतक और यातायात नियम को दर्शाया गया है। पुलिस ने सामाजिक संगठनों की मदद से इसे तैयार किया है, जिसमें नेशनल हाईवे, राज्य हाईवे, शहर की सड़कों से लेकर माल, स्कूल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, रेल पटरी, संकेतक जैसी उन तमाम मॉडल्स को रखा गया है जो व्यक्ति के वाहन चलाने के दौरान सामने आते हैं। महानगरों में बने पार्क को ये पार्क मात दे रहा है। पार्क में लगी स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स को बिजली सप्लाई से जोड़कर वास्तविक बनाने की कोशिश की गई है, जबकि मोड़ से लेकर हर उस संकेतक को दर्शाया गया है जो हाईवे से लेकर आम सड़क पर होता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे भी पहुंच रहे हैं। हम जब बोलेंगे तो मैम, आपका नाम क्या है? आदिविक विश्वास। अच्छा आदि, बताओ यहाँ आप रोज आते हो, क्या सीखने को मिलता है यहाँ पर, क्या मजा आता है? यहाँ पे मुझे सीखने को मिलता है जब यहाँ पे लाल बत्ती जलेगी तब रुकना है, जब ग्रीन जलेगी तब आगे बढ़ना है, और यहाँ पे हॉर्न बजा, हॉस्पिटल के हॉर्न नहीं बजाना है आगे। और क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? और तो कुछ नहीं सीखा। अच्छा, अभी आप आते हो यहाँ, कैसा मजा आता है आपको? मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, कुछ सीखने को भी मिलता है? मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? जो मैंने अभी बताया। SDOP नितेश पटेल ने बताया कि पार्क में ट्रैफिक के हर उस पहलू को समेटने का प्रयास किया गया है जिसकी लोग अनदेखी कर देते हैं। इसे बनाया इसलिए गया है ताकि लोग नियमों के प्रति जागरूक हो। यहाँ स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे नियमों के प्रति जागरूक हो। सर, ये जो ट्रैफिक पार्क बना गया है, क्या उद्देश्य रहा है इसका और किस तरह से इसको तैयार किया गया? हाँ, ये SP बैतूल के निर्देशन में उनकी पहल पर ये ट्रैफिक पार्क का आइडिया है, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं और बड़े भी, उनको ट्रैफिक के रूल से संबंधित से एजुकेट करना और एक तरीके से ट्रैफिक के नियमों को का प्रैक्टिकल है ये, कि ग्राउंड पे कहाँ से लेफ्ट है, राइट है, क्या नियम है, कहाँ स्पीड ब्रेकर, कहाँ आपको स्पीड स्लो करनी है। इसमें स्कूल और कॉम्प्लेक्स मॉल और हॉस्पिटल्स वगैरह के मॉडल्स भी बनाए गए हैं, जहाँ पर कहाँ पर आपको हॉर्न नहीं देना है, और सम जो भी साइनेजेस रहते हैं, साइनेजेस एक प्रैक्टिकल तौर पे बताए गए हैं। इसमें सर नेशनल हाईवे, राज्य की हाईवे, हाँ सब सारे स्टेट हाईवेज, अनमैंड रेलवे लाइन, मैंड रेलवे लाइन, ये सारा बच्चों के लिए जो बहुत इजीली तौर पे लोग अडेप्ट कर सकें उस फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। कितना फ़ायदा होगा सर इससे, अभी जिस तरह से लोग रूल तोड़ते हैं? इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें बच्चों के लिए जो इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज रहते हैं उस पर एक तरीके से प्रैक्टिकल और गाइडेंस भी दिया जाएगा। इसमें जो अपना स्कूलों को आमंत्रित भी करेंगे, हाँ स्कूलों को आमंत्रित भी करेंगे, प्रेजेंटेशंस भी रहेंगी। गौरतलब है कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग असमय ही काल की गाल में समा जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि बैतूल पुलिस के इस नवाचार का वाहन चालकों पर कितना असर होता है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।